समाज क्या कहता है, कोई कहता है बड़ा चीज़ है नहीं कर पाओगी, लेकिन खुद में बिलीव था कि कर सकते हैं। और फिर जब कोई बोलते हैं तो उसको उनके साथ आर्ग्यू कभी नहीं करना चाहिए कि मतलब कि हम उनसे लड़ रहे हैं कि नहीं नहीं हमको प्रूव करना, साइलेंटली प्रूव करना चाहिए। और आज वो प्रूव हुआ और अभी तक मोहल्ले में पता भी नहीं है सबको, अब बताते हैं तो लगता अच्छा बन गई, और सब क्योंकि देखते थे मोहल्ले में तो उनको ये नहीं फील होता था कि इतना अच्छा कर सकते हैं। आज दहेज वाले लड़के से शादी करेगी कि बिना दहेज वाले से? अब तो अब खुद अफसर बन गई है, अफसर बन गई है। सरकार खुद दहेज प्रतिबंध करती है और हम सरकार के अब अधिकारी हैं, सेवक है, सरकारी सेवक है, तो उनके नीतियों को अब हम क्रियान्वित करेंगे और बिना दहेज वाले। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को, मेरा नाम अभिषेक है। बीपीएससी के नतीजे आ चुके हैं और लाइव सिटीज लगातार आपको सफलता की कहानियां दिखा रहा है किस तरीके से जो परीक्षार्थी थे वो सफल हुए हैं। ऐसे में हम प्रियंका के घर पर मौजूद हैं, 44वां इनका रैंक है और SDM बनी है, जिसके बाद देख सकते हैं दूर दूर से लोग इन्हें बधाइयां देने आ गए हैं, ताता लगा हुआ है बधाइयों का। और जो घर परिवार के जो लोग हैं वो मिठाई हाथ में, माँ मिठाई लिए है सुबह से, कल से ही मिठाई ली हुई है जी, कल ही खरीद के लाए हैं। कम पड़ जाना, दोबारा मांग रही है। हाँ, तीसरा बार आया है। काफी खुशी है। काफी खुशी है। बेटी ने तो काम जी बहुत अच्छा कर दी है। जो कोई नियम की माँ है जी जी, डर लगता है? नहीं डर नहीं लगता है, खुशी है। खुशी है, बहुत खुश है। सबसे पहले तो आपको बधाई, थैंक यू सो मच। खुशी है बहुत ज्यादा। SDM बन गई है, किस तरीके से तैयारी की थी? तैयारी मतलब 2019 से ही कर रहे हैं, NCERT पढ़ के और फिर मतलब ऑनलाइन सोर्स के थ्रू पढ़ के आज यहाँ तक पहुँचे हैं। BPSC को ही चुना, क्यों चुना? अफसर ही क्यों बनी? डॉक्टर भी बन सकती थी, इंजीनियर भी बन सकती, मतलब शिक्षक बन सकती थी, टीचर, सबसे ज़्यादा लोग टीचर बनते हैं लेडीज़ में। उसके लिए भी प्रयास किए थे, लेकिन अभी मेरा मेन फोकस शुरू से रहा है कि मतलब ऐसे चीज़ों को पाए जिसमें हम खुद को कंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे बैंकिंग मेरा एरिया नहीं था, उसमें मैथ्स रीजनिंग होते तो हम खुद को पहले हटा देते थे, जो मेरे फील्ड का हमको उसमें जाना चाहिए और जाना भी इसी तरह चाहिए, जो आपका मतलब आपको फील हो जाता है कि आप किस फील्ड में अच्छा कर सकते हो। समाज क्या कहता है, कोई कहता है बड़ा चीज़ है नहीं कर पाओगी, लेकिन खुद में बिलीव था कि कर सकते हैं। और फिर जब कोई बोलते हैं तो उसको उनके साथ आर्ग्यू कभी नहीं करना चाहिए कि मतलब कि हम उनसे लड़ रहे हैं कि नहीं नहीं हमको प्रूव करना, साइलेंटली प्रूव करना चाहिए। और आज वो प्रूव हुआ और अभी तक मोहल्ले में पता भी नहीं है सबको, अब बताते हैं तो लगता अच्छा बन गई, और सब क्योंकि देखते थे मोहल्ले में तो उनको ये नहीं फील होता था कि इतना अच्छा कर सकते हैं। आज गए हैं तो फिर सबको सेल्फ स्टडी से कमाल कर दिया। बिल्कुल, सेल्फ स्टडी और थोड़ा बहुत ऑनलाइन सोर्स, सेल्फ स्टडी मोस्टली। अच्छा, आपने बताया था कि एक इंटरव्यू आपने सुना देखा, मतलब पढ़ रही थी इंटरव्यू, उसके दिमाग में आया कि अफसर बनना है? हाँ, ऐसा बहुत सारा इंटरव्यू पढ़ते थे, मतलब जब हम 12th में थे तो दैनिक जागरण के साथ शायद जोश आता था एक पेपर, तो उसमें बहुत सारे मौक रहते थे, तो होता था मेरा पेपर पढ़ने के दौरान मतलब फील होता था कि कुछ बड़े बन गए है, तो लगता था हम भी कभी ऐसा बने, तो ये बस एक आकांक्षा थी। फिर कब इस फील्ड में आ गए, खुद को आजमाया और लगा कि नहीं कर सकते हैं। इंटरव्यू पढ़ते पढ़ते SDM बन गई? नहीं, मेहनत भी पीछे है, मेहनत बहुत है पीछे, मेहनत बहुत। सोचा कि अफसर बने, बस एक मन में जो एक होता है ना एक लाइन खींच जाना कि हाँ इसमें आना है, वो आपका इंटरव्यू लोग देखेगा। होप सो, अब तो यही हो ही रहा है, अभी तक फील नहीं हो रहा, अब सब लोग आ रहे हैं, सब बधाई देते तो लगता है अच्छा बन गए हैं। फिर सोचते हैं कि मतलब इंसान जब डाउन टू अर्थ रहता है और फिर बढ़ता है अचानक से, तो उसको विश्वास नहीं होता। आज विश्वास हो रहा है, सारे परिजन आए हैं बधाई देने, अंकल आंटी सब कोई आए हैं, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। कोई अफसर भी नहीं था, ऐसे में अफसर बनी है। अगर जुनून होगा ना इंसान के अंदर तो कुछ भी कर लेगा, कोई क्या कहता है। एक तो एक बात हम कहना चाहेंगे कि लड़की होने के नाते सबके साथ एक शादी का प्रेशर रहता है, होता है, और वो बहुत तोड़ता है अंदर से कि आपके पास टाइम है। लड़कों के पास होता है जब तक आपके पास जॉब नहीं है शादी नहीं होगी, हमारे साथ क्या है कि एज हो रहा है शादी करनी है, तो ये सब प्रेशर कहते थे पापा कहते थे शादी के लिए, और उनको ही तो प्रूव करना था, सबसे पहले हमको पापा को प्रूव करना था। वो क्या बोला था, मतलब शादी कुछ दिन इंतजार के लिए? बहुत बार उनको समझाते थे, तो उनको थोड़ा सा होता है कि जो इंसान उस पृष्ठभूमि से नहीं है तो उनको बिलीव नहीं हुआ कि घर में ऐसा कोई कर सकता है, तो उनको प्रूव करना, उनको आर्ग्यू कभी कभी हो जाता था, ऐसा हम इंटरव्यू में भी बोले थे, वहाँ पे आर्ग्यू हो जाता है लेकिन ज़्यादा नहीं करना है, प्रूव कर दो थोड़ा बहुत, क्योंकि लाइफ मेरा है तो डिसाइड करना होगा ना, और लड़ना पड़ेगा। एक सवाल है, दहेज वाले लड़के से शादी करेगी कि बिना दहेज वाले से? अब तो अब खुद अफसर बन गई है, अफसर बन गई है। सरकार खुद दहेज प्रतिबंध करती है और हम सरकार के अब अधिकारी हैं, सेवक है, सरकारी सेवक है, तो उनके नीतियों को अब हम क्रियान्वित करेंगे और बिना दहेज वाले। बिल्कुल बिल्कुल, बिना दहेज वाला। हाँ, बिना दहेज वाला। क्या कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। अब तो दहेज भी नहीं देना है ना, हम फ्री हो गए, अब फ्री हो गए। हाँ हाँ, हम फ्री हो गए, फ्री हो गए। हाँ हाँ,
कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। इससे पहले कोई अफसर बना था? नहीं, सरकारी कर्मचारी भी नहीं था? नहीं नहीं, मेरे घर में नहीं था कोई कर्मचारी। मेरे रिश्तेदार में थे, अब एसपी साहब भी हैं, हमारे बेटी के देवर हैं, उनकी जैसे। आपके परिवार में था कोई? नहीं, मेरे परिवार में नहीं। आज कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत, काफी। एसडीएम के पिता हो गए? हाँ हो गए। तो लोग भी डरेगा? काहे डरेगा, डराएंगे काहे के लिए? डराएंगे नहीं, गलत करवे नहीं करे, डरेगा काहे के लिए? काफी खुशी है। हाँ, क्या माँ है, कितनी खुश है? बहुत खुश है। बच्चा कोई अच्छा करता है तो माँ को बहुत खुश होता है। माँ बाप खुश नहीं होगा कौन खुश होगा? इतना मेहनत किए हैं, बच्चे से पाले हैं, तो हमको नहीं खुशी होगी? काफी पढ़ती थी? बहुत पढ़ती थे, बच्चे से भी लड़ जाते थे, पढ़ने दीजिए पढ़ने दीजिए। बेटी के लिए लड़ती थी? हाँ। मम्मी बहुत ज्यादा सपोर्ट की है, मतलब पापा भी किए हैं। अब पापा बहुत बदल चुके हैं, मतलब होता है ना कि जब तक मतलब कि सही बात है कि क्योंकि होता है, गार्जियन भी वो अपने दृष्टिकोण से देखते होंगे, जो होता है एज हो रहा है कर दे, वो अच्छा ही सोचते होंगे। लेकिन पापा को सच में बिलीव नहीं था, उनको लगता था 10-20 साल बनेगी कलेक्टर तब ना। होता है समय लगता है, तुम शादी ब्याह करो ना हो जाएगा, पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ लेता है, ये मेंटेलिटी है हमारी सोसाइटी में, ये है। लेकिन मम्मी जो थी, मतलब हम मम्मी के सामने अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते थे और मम्मी हमेशा सपोर्ट करती थी, तुम पढ़ो ना बेटा, और ये आज उसी का परिणाम, मतलब बेस्ट, मतलब होता ना, बहुत ज़्यादा क्रेडिट इनको देंगे। और पापा जी तो अब देखते हैं, इतना ज़्यादा बदलाव हुआ इससे, बहुत ज़्यादा। माँ देख रहे हैं खुशी से, माँ के आंसू आ गए, कितनी खुशी है? बहुत खुश। लड़ जाती थी बेटी के लिए? क्या करें, दूसरा उपाय नहीं था मेरे पास। कितनी खुशी हो रही है? बहुत, काफ़ी काफ़ी खुशी है। बहन ने तो कमाल कर दिया। बहुत। तो एसडीएम के भाई हैं? एसडीएम की भाभी हैं, कितनी खुश हैं? बहुत खुशी है। किस तरीके से आप लोग देखते थे, मतलब कितने घंटे पढ़ते थे, क्या? उनको बहुत मेहनत करते थे, शुरू से जब से आए हैं तब से देख रहे हैं, बहुत मेहनत की है, उनका लगन से ही उनको सक्सेस मिला है, बहुत मेहनत की है। काफी खुशी है? बहुत खुशी है। क्या बड़ी बहन है आप, छोटी बहन तो एसडीएम हो गई है। हाँ सही बात है, एसडीएम हो गई और बहुत खुशी की बात भी है। और बचपन से इसके अंदर था कि कुछ करना है, और ऐसा ही इसकी पर्सनालिटी भी शुरू से ही है, और मतलब इसके अंदर है कि मतलब किसी भी चीज़ का अगर कुछ सही नहीं है तो उसके प्रति उसके अंदर बोलने की क्षमता भी है, गलत को गलत बोल सकती है, उसके अंदर से बचपन से ही है। तो यही चीज़ इसको आगे लेके गया और आज इस पद पे वो है। काफ़ी खुशी है, घर की बेटी ने तो कमाल कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी है। काफ़ी खुशी है। क्या आपको दोस्त हैं, कमाल कर दिया? हाँ वो तो है, दोस्त मेरी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड है मेरी वो, मतलब मेरी जितनी भी फ्रेंड है ग्रुप में, मेरी बेस्ट फ्रेंड है ये। और मतलब ये शुरू से ही बहुत पढ़ती थी, मतलब हमारे ग्रुप की मतलब नंबर वन स्टूडेंट कहते हैं ना, मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड है, और तब से वो आज तक हर एक चीज़ में टॉप ही करती आई है। पता था कि होना ही है ये, बस इंतज़ार था कब सुनना था, और कल वो सुन लिए, मतलब बहुत, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, जो विश्वास नहीं हो रहा था रात को हम लोग को सुनने के बाद, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत खुश है। तो प्रियंका के परिवार में जश्न का माहौल है, प्रियंका ने परचम लहराया है, सेल्फ स्टडी से ये सफलता पाई है, उसके बाद परिवार वाले जश्न मना रहे हैं। आपको बता दें कि एसडीएम बन गई हैं वो, और उन्होंने साफ साफ कहा कि बिना दहेज वाले लड़के से ही शादी करेंगी, क्योंकि वो अधिकारी बन गई हैं और कानून में नियम भी है। वहीं पिता कहते थे कि शादी कर लो, समय हो रहा है, लेकिन इन्होंने एसडीएम बन के दिखा दिया कि अब मेहनत से सफलता मिल सकती है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।